हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 में कल सुबह खेले जाने वाला है मैच नंबर 22। तो ये मैच नंबर 22 है, सुबह 3:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक अगर हम देखें तो ये मैच स्टार्ट होगा। सेंट लूसिया ज़ूक्स और गयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच में ये मैच होने वाला है। ज़बरदस्त मैच होगा। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जो अमेजन वॉरियर्स है ये एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है, शायद 6 मैच खेल चुकी है, सारे के सारे मैचेस जीती है, हार नहीं रही है टीम। हराना इनको थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऊपर से बैटिंग लाइनअप ठीक ठाक है, नीचे इनके पास एक दो ऑलराउंडर अच्छे हैं और बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त इनकी पार है, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है टीम। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो डैरेन सैमी, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ही मैच होने वाला है और लास्ट मैच इन्होंने जीता है, आज ही मैच हुआ था वो सेंट लूसिया ज़ूक्स वाला, जैसे कि आपने देखा भी होगा। अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी आज के मैच में, तो कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, कैरी ऑन रखेंगे ऐसी परफॉर्मेंस को। आगे बढ़ते हैं, देखो वेन्यू मैंने आपको बता दिया, सेंट लूसिया पे मैच होने वाला है, डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर ये मैच होगा। 21 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे खेले जा चुके हैं, 9 बार बैट फर्स्ट जीती है, 12 बार जो है बॉल फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 137 है, जो कि 160 तक जा सकता है अगर हम बात करें। बाकी एवरेज सेकंड टोटल अगर हम देखें 126 है, हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 197 है और लोएस्ट टोटल 126 के करीब है। सीपीएल 2019 में क्या हुआ है, पहला मैच जो यहाँ पे खेला गया था, अभी तक 3 मैचेस यहाँ पे हो चुके हैं, 1 मैच बारिश के कारण धुल गया था, 2 मैचेस हो चुके हैं पूरे मतलब। पहला मैच बारबाडोस ट्राइडेंट ने यहाँ पे 172 रन करे और सेंट लूसिया ज़ूक्स को 101 पर ही ऑल आउट कर दिया लास्ट मैच में। फिर जो अगला मैच था उस मैच में सेंट लूसिया ज़ूक्स लगभग 12 ओवर में अच्छा खेल रही थी, कॉलिन इनग्रम भी अच्छा खेल रहे थे, 99 रन उन्होंने बना लिए थे, फिर बारिश आई, उसके बाद बारिश रुकी नहीं। फिर जो लास्ट मैच जो आज खेला गया है जिसमें 165 रन सेंट लूसिया ज़ूक्स ने बनाए, सब ने थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करा, आंद्रे फ्लेचर ने रन करे थोड़े बहुत रन, और प्लेयर्स ने करे, सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स कुछ खास नहीं कर पाई और इस मैच को जीत नहीं पाई। हार्डस विलियन की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी आज के मैच में। वहीं अगर बात करें, वेदर आज भी पार्टी क्लाउडी रहेगा, बारिश वाली जाने की अब संभावना नहीं है, पूरे मैच में देखने को मिलेंगे। प्लेइंग 11 की तरफ अगर हम चलें तो सेम प्लेइंग 11 के साथ उतर सकते हैं जो आज उतरे थे, जिसमें फ्लेचर और कॉनवेल ओपन आए थे, कैम्बल आज नहीं खेले थे, कॉलिन इनग्रम है नंबर 3 पे, फिर कॉलिन ग्रैंड होम है नंबर 4 पे, आंद्रे मैकार्थी हैं, फिर क्रिस्टोफर बानवेल हैं, फिर डैरेन सैमी आज अच्छी कैम्बियो उन्होंने खेला नीचे 30 रन का, फिर यहाँ पे आपका रॉयल है, फिर हार्डिस विलियन है, फवाद अहमद और कैसरिक विलियम्स, तो ये इनकी प्लेइंग 11 आज के मैच में भी रह सकती है। बाकी अगर कोई चेंज होता है तो आपको 3:30 बजे जैसे कि अपडेट किया जाता ही है, आपको वैसे ही अपडेट किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आज अगर हम बात करें गयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम की, तो आप देख सकते हो चंद्रपॉल हेमराज और ब्रेंडन किंग, ज़बरदस्त ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनका बन चुका है, क्योंकि ब्रेंडन किंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, हर मैच में बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर इनके टोन सेट कर देते हैं ओपनिंग में। फिर शिमरन हेटमायर हैं जो बीच बीच में इन्होंने रन ज़रूर करे, पर मुझे लग रहा है ड्यू हैं, आज के मैच में ये एक नंबर एक प्लेयर है जो चल सकता है, जो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में एक दो इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली है पर एक ज़बरदस्त इनिंग अभी तक आई नहीं है जो आज के मैच में आ सकते हैं। फिर शोएब मलिक हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करेंगे, निकोलस पूरन है, शिफान रदरफोर्ड हैं, यहाँ पे कीमो पॉल है, फिर क्रिस ग्रीन है लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच, फिर रोमोरियो शेफर्ड है, बेन लॉफ्लिन या फिर ओडन स्मिथ में से कोई खेलेगा, मुझे लग रहा है ओडन स्मिथ होंगे और इमरान ताहिर होंगे, तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी। अगर कोई चेंज होगा तो वो जैसे कि आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा टॉस के बाद ही, तो सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कम इन्वेस्ट करना है इस मैच में अगर आप नहीं उठ सकते हो, क्योंकि दिक्कतें हो सकती है, चेंजेस होते हैं एक दो ऊपर नीचे। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करें, कॉलिन इनग्रम इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड होम इंपॉर्टेंट है, शिमरन हेटमायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई सहमत हटा देना, ये नहीं खेलेंगे, लास्ट मैच में इनको नहीं खिलाया गया था। यहाँ पे इमरान ताहिर आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिस ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 प्लेयर तो एटलीस्ट आप अपनी टीम में जरूर रखना, इमरान ताहिर को भी रख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ग्रैंड लीग के ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो निकोलस पूरन बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा, डैरेन सैमी बहुत अच्छा ऑप्शन है, शिफान रदरफोर्ड, यहाँ पे जो ये चंद्रपॉल हेमराज हैं ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है, तो इनको भी ज़रूर ट्राई करना। और हार्डिस विलियन को अभी भी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के बाद भी अभी भी 30-32% लोगों ने लिया हुआ सिर्फ, ये अच्छे प्लेयर हैं, मैं ऐसे हवा में नहीं कहता हूँ, ये प्लेयर इनको आप ट्राई करो, सही में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो ग्रैंड लीग के मैं ऑप्शन देता हूँ ऐसी मजाक में नहीं बोलता हूँ, तो इनको थोड़ा सीरियस लेकर के टीम अगर ग्रैंड लीग के बनाते हैं, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, टीम क्या होगी उससे पहले एक बार टेलीग्राम चैनल की तरफ चलते हैं। कभी कभार आप कहते भी हो कि विनिंग शेयर कर दिया करो, तो विनिंग लास्ट के जो 2 मैच हमने कल कवर किए थे और टाइमिंग भी आप देख सकते हो 3:15 पे मैंने अपडेट आपको कर दिया था सुबह, और अगर हम सुबह की बात करें एक और मैच जो था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और टेस्मेनिया वाला, उसमें भी अपडेट कर दिया गया था, फाइनल टीम जो मेरी थी मैंने आपको दे दी थी, तो दोनों ने अच्छा परफॉर्म करा है, अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा। मेरे हिसाब से तो अच्छी डिसेंट टीम थी, मैंने तो अच्छी विनिंग करी है, 2 विनिंग्स मैंने आपको दिखाई है, तो वो आप देख सकते हो दोनों मैचेस की, तो ये विनिंग आज की रही है। बाकी
ये सब शेयर करते रहेंगे आगे भी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आना हो तो आप आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, स्पोर्ट्स गुरुजी नाम से होगा। बाकी अब चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तरफ, क्या टीम बन रही है। अंडर फ्लेचर को ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, निकोलस पूरन की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। 43% लोगों ने लिया हुआ, ग्रैंडिंग में एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि अगर ऊपर के प्लेयर्स आउट नहीं हो आउट हो जाते हैं तो फिर निकोलस पूरन ही रन्स करेंगे नीचे से, तो देखने वाली बात है। आंद्रे फ्लेचर को रखा हुआ है, तीन बैट्समैन जो है उसमें शेमरन हेटमायर को मैंने रखा हुआ है, और यहाँ से कॉलिन इनग्रम है और ब्रेंडन किंग है, तो ये तीन प्लेयर मैंने लिए हुए हैं। चाहो तो डैरन सैमी को आप ले सकते हो, मैकार्थी ऑप्शन है आपके पास, चंद्रपॉल हेमराज भी ऑप्शन है, 34% लोगों ने इनको लिया हुआ, आप ग्राइंडिंग में ज़रूर इनको कैप्टन बना सकते हो चंद्रपॉल हेमराज को। बाकी अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो मैंने चार ऑलराउंडर्स लिए हैं जिसमें शोएब मलिक ज़रूर टीम में हमारे रहेंगे, रकीम कॉनवॉल अब ओपन आ गए हैं, लास्ट मैच में इन्होंने ओपन किया आज ही, तो इसलिए हमारी टीम में ज़रूर होंगे, और कॉलिन ग्रैंडहोम है, और कीमो पॉल को भी मैंने रखा हुआ है। कीमो पॉल नीचे आकर के थोड़े बहुत रन कर सकते हैं और अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, फास्ट बॉलर हैं, थोड़ी बहुत विकेटें निकाल लेते हैं। लास्ट मैच इनका बहुत अच्छा गया था, आप देख सकते हो, लास्ट टू लास्ट मैच की बात करूँ 79 पॉइंट्स थे, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़रूर हो सकते हैं, कभी कभार अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। बाकी अगर हम बॉलिंग की बात करें तो इमरान ताहिर हमारी टीम में है, नीचे से अगर हम देखें तो क्रिस ग्रीन हमारी टीम में है, और हार्डिस विलियन हमारी टीम में है। अब ऑप्शन जो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन ओडेन स्मिथ हैं, कैसरिक विलियम्स हैं, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, नीचे से रमोरियो शेफर्ड भी हैं, ऊपर अगर हम देखें तो फवाद अहमद हैं, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। कंटिन्यू करते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं, हेटमायर कैप्टन है इस मैच में, कॉनवॉल को वाइस कैप्टन किया हुआ है, हेटमायर ड्यू है, मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने कल आपको बोला था फ्लेचर मेरे कैप्टन होंगे, थोड़ा सा रिस्क जरूर मैंने लिया था क्योंकि कोई भी इनको कैप्टन नहीं बनाने वाला था, आपने खोल के देखा होगा किसी का भी कैप्टन नहीं होगा स्मॉल लीग में फ्लेचर। देखो ऐसे प्लेयर्स को हमेशा टूर्नामेंट जो मोड होता है ना, सीरीज मोड नहीं बोलूंगा, जो टूर्नामेंट मोड होता है जिसमें बहुत सारे मैचेस होते हैं, जो प्लेयर चले नहीं होता है वो कभी ना कभी चलते जरूर हैं, मैं पहले भी आपको बोलता आया हूँ। तो फ्लेचर पूरे टूर्नामेंट में मुझे कभी नज़र नहीं आया, आज भी उन्होंने कुछ खास नहीं करा, पर अपनी टीम से हाईएस्ट रन इनके ही थे, तो ऐसे ही मुझे आज लग रहा है कि शेमरन हेटमायर शायद रन्स कर जाए, क्योंकि पिछले अगर हम इनके मैचेस देखें थोड़े बहुत फ्लॉप रहे हैं, तो एक बड़ी इनिंग इनकी तरफ से आ सकती है, तो इसलिए हेटमायर हमारी टीम से है। बाकी रकीम कॉनवल मुझे सही लग रहा है यहाँ से ऑप्शन, या फिर कॉलिन इनग्रम की तरफ आप जा सकते हो, कॉलिन डी ग्रैंड होम की तरफ भी जा सकते हो, या फिर वापस फ्लेचर के ऊपर एक और बार भरोसा जता सकते हो। तो ये थी टीम, ब्रेंडन किंग को बहुत सारे लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन किया होगा क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नीचे से अगर हम बॉलिंग की तरफ जाना चाहते हो तो क्रिस ग्रीन भी अच्छा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। टीम मेरी ये फाइनल लगभग है, बाकी आपको टॉस के बाद 3:30 बजे कंफर्म नहीं बोलूँगा क्योंकि कभी कभी नींद नहीं खुलती है, पर कोशिश ज़रूर की जाएगी और बहुत अच्छी खासी कोशिश की जाएगी आपको टीम दे, जैसे कि आज भी दी थी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।